गाजीपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। मंगलवार को गाजीपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 7 नए मरीज मिले हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात दूसरी रही। इन 7 मरीजों में से 2 मासूम भी हैं, जिनकी उम्र महज 4 साल है। इसमें एक लड़का और एक लड़की है। इन दोनों का सैंपल रैंडम सिलेक्शन में लिया गया था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के नए मरीज गाजीपुर में कहां के हैं। इसमें 2 मरीज नौली रेवतीपुर गाजीपुर के हैं, दोनों ही पुरुष हैं। एक की उम्र 30 साल है और दूसरे की 51 साल है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। इसी तरह एक मरीज अथैया सदर का है। 28 साल के इस युवा मरीज की भी डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। जो दोनों बच्चे हैं वो शुक्लपुरा मोहम्मदाबाद गाजीपुर के हैं। इसके अलावा एक मरीज गोपालपुर रेवतीपुर के और एक देवकली भदौरा गाजीपुर के हैं। गोपालपुर के मरीज की उम्र 50 साल है, वहीं देवकली भदौरा के मरीज की उम्र 32 साल है। दोनों की डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री है। देशव्यापी स्तर पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यही ट्रेंड गाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आगे कोरोना के मामले और बढ़ेंगे। उनके मुताबिक फिलहाल हॉटस्पॉट से मरीज मिल रहे हैं, लेकिन लोगों के यात्रा करने से ये मामला और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत अब इस बात की है कि उन इलाकों पर नजर रखी जाए जहां प्रवासी गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना से ठीक होने वालों का परसेंट ज्यादा है, इसलिए घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।